इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला धांधली और अकाउंटेबिलिटी वो है, और यहां पे करप्शन है। करप्शन दुनिया के तमाम ममालिक में होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने करप्शन से डील करने के लिए क्या किया है? हमने अगर अदारे बनाए, हमने अगर नैब बनाई, हमने अगर एफआईए बनाई, हमने अगर डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन बनाई, तो यहां पे किस तरह का एहतसाब होता है? एहतसाब इस तरह का होता है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात का एहतसाब करती है, और यहां पे अक्रॉस दी बोर्ड कभी एहतसाब नहीं होता। जहां पे अदारों की बात आप कर लें, अदारों का अपना एहतसाब का जो निजाम है, दैट इज मच फ्रॉम वांटिंग। लोग उससे भी बिल्कुल खुश नहीं है कि क्या उन्होंने अपना एहतसाब किस तरह से किया है। मेरा यह ख्याल है कि अभी हमने 18th अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं, सारी की सारी 18th अमेंडमेंट को खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए कुछ मसाइल ऐसे हैं। और ये जो इमरानी मुआहदे होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये कोई सहीफा आसमानी नहीं है। जदीद हालात के अंदर हमें कंसेंसस करके कुछ रास्ता निकालना है। पहला रास्ता हमने निकालना है कि एहतसाब का निजाम जो है वो किस तरह का हो। देखिए आप नैब के चेयरमैन को मसला लगाते हैं, तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर दो बंदे चाहें तो उनके कंसेंसस के साथ एक नैब के चेयरमैन बन सकते हैं। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती जो होती है वो भी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर कर सकते हैं। इतनी डिवाइडेड सोसाइटी के अंदर आपने ये अख्तियार सिर्फ दो बंदों को दे दिया, पार्लियामेंट को नहीं दिया। देखिए जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं उन्हीं की बात ले लीजिए, इनको किसने अपॉइंट किया? उस वक्त खाकान अब्बासी साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कंसेंसस से किया, उन्होंने दोनों को अंदर कर दिया, दोनों खुश नहीं है। और इससे पहले भी जो चेयरमैन अपॉइंट होते रहे हैं वो भी दो बंदों की सवाबदीद से। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि हमें इस तरह का एहतसाब का निजाम बनाना है जिसके अंदर एक अदारा हो। आप देखिए साइमल्टेनियसली आप केसेस एफआईए में भी चलाते हैं, आप डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन में भी चलाते हैं, बाज़ुकात तीन तीन जगह पे केसेस चलाते हैं। एक अदारा होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए और एक अदालत होनी चाहिए, और एहतसाब सबका होना चाहिए। मुकद्दस गायक कोई नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड। उसके अंदर एहतसाब पॉलिटिशियन का भी होना चाहिए, उसके अंदर एहतसाब अदलिया का भी होना चाहिए, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का भी होना चाहिए। अगर हम इस तरह का तसलसल के साथ एक निजाम ऐसा लेके आएंगे तो तब तो लोग इससे खुश होंगे। फिर कारकर्दगी देखिए, एहतसाब के अदारों की क्या कारकर्दगी है। एक बात बड़े बड़े सरे वाले लोगों को यह समझ नहीं आती, बेशक वो अरबाब अख्तियार हों, हुकूमत में हो, जुडिशरी में हो, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारा निजाम इतना लंबा है। वो कहते हैं कि माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये ताखीर से मिला हुआ इंसाफ जो है तो ना इंसाफी होती है। यहाँ पे सालह साल से केसेस चल रहे हैं, वो चलते जाते हैं, आपके पास किसी चीज की कोई टाइमलाइन नहीं है। एहतसाब का अदारा जो है उसके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए। अगर कोई गुनाहगार है उसको सजा दीजिए, अगर कोई गुनाहगार नहीं है उसको बरी कीजिए। यहाँ पे तो लोगों का मीडिया ट्रायल भी होता है, और पाकिस्तान के अवाम का लोग मुंह चढ़ाते हैं कि जब बड़े बड़े करप्शन के केसेस जो हैं उसके अंदर से लोग बाहर आते हैं, जमानत कराते हैं, तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, वो हमें चढ़ाते हैं। हमारा निजाम जो है वो बिल्कुल भी मुनसिफाना नहीं है। आप मुल्क से बाहर जाके देखिए, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, आप वलैत चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप पेरिस चले जाएं, आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके देखें, तो हमारे तमाम लोग, जब मैं तमाम लोग कहता हूं, पॉलिटिशियंस यहां पे पुराने रिटायर्ड जो हैं, हमारे सर्विसेज के चीफ, यहां पे मीडिया के कुछ एंकर्स, यहां पे पॉलिटिशियन और यहां पे ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने अपने बच्चों को भी बाहर सेटल किया है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जो खरीदी हैं। आप मुझे ये बताइए, ऐसे लोग जो अपने मुल्क के अंदर अपने बच्चों को भी नहीं रखना चाहते, अपनी जायदादें भी बाहर रखते हैं, अपना कारोबार भी बाहर रखते हैं, क्या उनको हक होना चाहिए को मेरे मुल्क के अंदर फिर हुक्मरानी भी मांगे? नहीं, इस मुल्क के अंदर हुक्मरान वही होंगे जिनका मफाद मेरे साथ वाबस्ता है। जो यहां नहीं रहना चाहते वो यहां से चले जाएं, उनको मेरे मुल्क के अंदर मामलात आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है।